Audio Jungle. नमस्कार। आज कोरोना वायरस के रूप में फैली इस महामारी से लड़ने के लिए हम सब लोग पिछले 3 दिन से अपने अपने घरों में एकांतवास में जीवन जी रहे हैं। साथियों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी एक पिता के रूप में, एक गार्जियन के रूप में इस देश के एक एक नागरिक की चिंता करते हुए पूरे विश्व के साथ तालमेल बनाकर इस बीमारी से लड़ रहे हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता? क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी सरकार के साथ अपने समाज की रक्षा के लिए, स्वयं अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, क्या हम अपने घर में रहकर ये युद्ध नहीं जीत सकते? मैं देखता हूँ अपने घर की बालकनी से बहुत सारे लोग सिर्फ ये देखने के लिए रोड पर आ रहे हैं कि चल क्या रहा है। साथियों, हम जिम्मेदार लोग हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आप सबसे अपील करता हूँ कि हम अपने अपने घरों में अपने अपने परिवारों के साथ शांति के साथ 3 हफ्ते 21 दिन बिताएं, क्योंकि कोरोना जैसे इस महामारी से बचने के लिए हमारे देश के अंदर इतने हॉस्पिटल, इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी। एक बार ये महामारी फैल गई तो हम आप मिलकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और इसे लड़ने का एकमात्र यही एक उपाय है कि हम सब खुद को आइसोलेट करके घर के अंदर सुरक्षित करें, एक दूसरे के लिए अपने घर से ही प्रार्थना करें। मैं पुनः आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सरकार के साथ, प्रशासन के साथ, माननीय मोदी जी की भावनाओं के साथ हम सहयोग करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें। हम जो भी कार्य अपने घर से कर सकते हैं करें, और स्पेशली मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ नगर निगम के उन कर्मचारियों का जो अपनी जान जोखिम में डालकर आज आपके लिए, हमारे लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन डॉक्टर्स का, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन पुलिसकर्मियों का, उन सभी लोगों का जो इमरजेंसी सर्विसेज में, खासतौर पर पत्रकार बंधु जो सब आगे आकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम सलाम करते हैं ऐसे लोगों को, उनके जज्बे को। वह किसी बॉर्डर पर लड़ रहे सैनिक से कम नहीं है। पुनः एक बार निवेदन करते हुए कि आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। Audio Jungle.